Hello guys, welcome to Parab channel. So today we are going to start new topic of class 10 resource and development. So let's get started the video. तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में महात्मा गांधी जी के कुछ बोल पढ़े थे, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था कि कैसे एक जो मिनरल होता है या कोई रिसोर्स होता है वो एक जगह पे बहुत ज्यादा पाया जाता है बट दूसरी जगह पे काफी ज्यादा कम पाया जाता है, इसलिए जिसमें ज्यादा पाया जाता है उसके दूसरे रीजन में जो जिसमें मान लो कि इसमें ज्यादा पाया जाता है इसमें कम पाया जाता है, इस रीजन से इस रीजन में वो जो रिसोर्स है वो ट्रांसफर किया जाता है, इसको कहते हैं हम रिसोर्स प्लानिंग, जो कि हम प्लानिंग से पूरा काम करते हैं। ठीक है, उसके थ्री स्टेप्स पढ़े थे, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले लैंड के यूजेस भी हैं, लिमिटेशन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, वो सब आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यूजेस देख लेते हैं लैंड की। ह्यूमंस की जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, कुछ भी होता है वो होता किस पे? लैंड होता है। क्या लैंड में रहते हो? बिल्कुल हाँ। क्या हवा में रहते हो? नहीं, हवा में कौन रहेगा भाई। ठीक है, इसलिए लैंड रिसोर्सेज पे सारे काम होते हैं, इसलिए इसके यूसेज है। सबसे जो मेन है लैंड के यूसेज क्या है? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमेशा लैंड पे ही परफॉर्म होती है। अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो किस पे करोगे? लैंड पे करेंगे। अगर आपको इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है तो किस पे करोगे? लैंड पे करेंगे। घर बनाना है तो किस पे करोगे? लैंड पे करेंगे। हर एक चीज जो होने वाली है वो लैंड पे होने वाली है। अगर आप सोच रहे होंगे कि दिमाग में उल्टा पुल्टा क्वेश्चन आया हुआ कि अगर एयरवेज में चले जाए तो हम एयर में रह सकते हैं थोड़ा थोड़ा देर ऐसे एयरप्लेन में जाए तो क्या होगा? एयरपोर्ट कहां पर बने? लैंड पे बने। इसलिए लैंड जो है इंपोर्टेंट रिसोर्स है, उसका एक यूज है। बट लैंड की आगे एक लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन होती है कमी। लैंड की कमी क्या है? लैंड की कमी कुछ यूं है कि लैंड को हम स्प्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि लैंड हमने बोर्ड ने मान लो कि 50 एकड़ दी है, मान लो एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में 50 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ ही रहेंगे, उसके ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ऐसी लैंड की लिमिटेशन है कि लैंड को हम अभी स्प्रेड नहीं कर सकते। जितनी गोल ने दी है उतनी में ही सफर करना पड़ेगा, जितनी वर्ल्ड में है उतनी ही हमें मिल सकती है, इससे ज्यादा हमें कभी नहीं मिल सकती। आगे डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया मेनली इंडिया में 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मोस्टली वैसे दूसरे पार्ट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 पार्ट्स ही होंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट वो छोटे छोटे पार्ट होंगे। जो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो हमारा प्लेन्स है, प्लेटू है और माउंटेन्स है। देखते हैं कैसे इनको डिवाइड किया गया। प्लेन्स जो है इन्होंने 43% ऑफ एरिया जो है प्लेन्स ने कवर किया है, प्लेटू ने 27% ऑफ एरिया कवर किया है और माउंटेन ने 30% ऑफ एरिया जो है कवर किया है। किसने किया है? माउंटेन ने 30% ऑफ एरिया कवर किया। आपको इनके यूजेस भी बताता हूँ, प्लेन्स के क्या यूजेस हैं, माउंटेन के क्या यूजेस हैं, प्लेटू के क्या यूजेस, सभी क्या यूजेस अभी पता चल गया। प्लेन्स एग्रीकल्चर आएगा, इंडस्ट्री आएगा, प्लेटू मिनरल्स आएंगे, माउंटेन की जो रिवर का पेरिनियल फ्लो होता है उसको माउंटेन्स की हेल्प होती है। अब आपको ये भी आ सकता है कि पाई चार्ट बना कर बताओ, प्लेन्स का, प्लेटू का और माउंटेन्स का पाई चार्ट होता है। ऐसे हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल में अच्छे तरीके से ड्रॉ करता हूं, अभी यार हो ही नहीं, सर्कल ड्रॉ करना है छोटा सा करके छोड़, ठीक है, और बीच में एक डॉट लगाना है। अगर आप कंपास से करें डॉट पर खुद खुद ही लग जाएगा। 43% यानी सबसे ज्यादा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, सबसे ज्यादा 43 बार लगना चाहिए, फिर 43 हमें ये लग रहा है, ये 30% और ये 27%, इसको कहते हैं पाई चार्ट। कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की, एक सर्कल में इन तीनों की डिस्ट्रीब्यूशन करने में इसको कहते हैं पाई चार्ट। आप गए बच्चों के मन में ये डिफरेंस है कि प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस, तो वो भी आपको बता देता हूँ, प्लेट्यू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है। प्लेट्यू होता है जो कि टेबल टॉप होता है, ऐसे कुछ जो कि ऐसे थोड़ा सा प्लेन होता है, बट माउंटेन जो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, इसकी एक पीक होती है, ये कहीं से भी सीधा नहीं होता। बट प्लेट्यू जो है ऐसे अंडरवुड डालते हैं या हम डिवाइड करते समय ये डालते हैं, वैसा होता है प्लेट्यू, इसको ये है हमारा प्लेट्यू और ये है हमारा माउंटेन। ठीक है, होप कि आपको क्लियर होगी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियरेंस आई है तो कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाकर बेल आइकन को भी दबा कर देना।